hello class good morning to all of you today i have come with my 13th lecture video this is related to gk general knowledge in this class we learn about our body some questions which is related to our body यू हैव टू गिवे इन थ्री ऑप्शन्स इस चैप्टर में हमारे शरीर के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके लिए तीन तीन ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है उस पर हमें क्या करना है टिक कर देना है प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर वन टू एलेवन आप सभी स्ट्रीम लेक्चर नंबर जरूर नोट करो और चैप्टर साथ में नोट करो ऊपर चैप्टर लिखो चैप्टर ट्वेल्व है तो चैप्टर ट्वेल्व लिखो और बड्डी लिखो और उसके बाद लेक्चर नंबर जरूर लिखो इस लेक्चर नंबर में कौन सा लेसन पढ़ाई हो रहा है इसको जरूर नोट करो ठीक है ताकि इसके बाद आप कभी भी इस चैप्टर को आप उस लेक्चर नंबर में ओपन करके आसानी से पढ़ सको ओके Today our chapter is our body. Question number one, which is the hardest substance in our body, which is the hardest sub substance in our body. हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन सा है तो क्या हो जाएगा सबसे कठोर पार्ट कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस तो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट आ, पार्ट कौन सा है तो वो है इनमल ऑफ द टीथ इनमल ऑफ द टीथ यह दांत के ऊपरी हिस्सा जो होता है जिसको इनेमल बोला जाता है वो सबसे हार्ड भाग होता है ठीक है इनेमल ऑफ द टीथ तो वन का ए हो जाएगा इनेमल ऑफ द टीथ ठीक है क्वेश्चन नंबर टू फिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी फिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बड्डी कहा जा रहा है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो स्टूडेंट इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा स्किन होगा हार्ट नहीं होगा और लंग्स नहीं होगा इसका सही आंसर क्या होगा स्किन स्किन सबसे बड़ा ऑर्गेन है हमारे शरीर का जिससे पूरा शरीर हमारा क्या है कवर है शरीर के ऊपर इसका कवर है स्किन का कवर है स्किन से हमारा शरीर ढका हुआ है पूरा तो सबसे बड़ा पार्ट तो स्किन ही हुआ लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल तो यहाँ तो नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल पूछा जा रहा है या इंटरनल पूछा जा रहा है जो हमारा क्वेश्चन है उसके अनुसार यहाँ तीन ऑप्शन दिया गया है उसी में से एक हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही कर दिया हमने बट एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल ऑर्गेन विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी तो जहाँ एक्सटर्नल पूछा जाए वहाँ स्किन होगा और जहाँ इंटरनल पूछा जाए मतलब शरीर के अंदर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो वो हो जाएगा लीवर विच इज़ द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी तो इंटरनल जहाँ पूछा जाए आंतरिक शरीर के अंदर का तो वहाँ लीवर और जहाँ पे एक्सटर्नल पूछा जाए यानी बाहे भाग में वहाँ पे स्किन हो जाएगा स्किन इस प्रश्न का भी आंसर होगा या इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बड्डी तो देन योर आंसर इज स्किन ओके आगे बढ़ें क्लियर क्वेश्चन नंबर थ्री आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें पढ़ाने के क्रम में क्रम में मैं जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता हूँ उसको आप निश्चित रूप से अपने नोटबुक में नोट करो क्योंकि उन सभी प्रश्नों को भी मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ आपसे या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ठीक है के साथ साथ मैं जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता हूँ उसको आप जरूर नोट करो अपने फेयर कॉपी में चैप्टर वाइज ताकि आपको एग्ज़ाम में पढ़ने में सुविधा रहे याद करने में सुविधा हो सके जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी इसमें हमने आपको दो क्वेश्चन बताया एक बताया कि ह्च इज़ द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी तो उसके आंसर एक्सटर्नल जब कहा जाए मतलब बाहरी तो वहाँ पे स्किन हो जाएगा और जहाँ पे पूछा जाए कि विच इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी तो जहाँ पे इंटरनल की बात होगी वहाँ पे लीवर आंसर हो जाएगा ओके जहाँ पे इंटरनल बात होगा वहाँ लीवर जहाँ एक्सटर्नल बात होगा वहाँ स्किन और इस क्वेश्चन का आंसर भी स्किन ही है ठीक है तो यहाँ पे स्किन पर टिक कर देंगे और जो दो क्वेश्चन अलग से मैंने बनाया उसको आप अपने नोटबुक में अलग से नोट करेंगे इसको भी आप नोट करेंगे पूरा टेन क्वेश्चन है सॉरी एट क्वेश्चन है और उसमें वो दो क्वेश्चन अलग से आप बना के लिख लेंगे ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे जाएंगे थ्री में है कि व्हाट नेम इज गिवेन टू द नेरवेस्ट ब्लड वेसल्स नैरवेस्ट ब्लड सल्स सबसे संकीर्ण वाहिकाएं इसका अर्थ होता है नैरोवेस्ट ब्लड वेसल इसको आप नोट कर लीजिए सबसे संकीर्ण वाहिकाएं नैरोस्ट ब्लड भीसल्स इसका अर्थ होता है नैरोवेस्ट ब्लड वेसल्स सबसे संकीर्ण रक्त वाहिकाएँ सबसे संकीर्ण वाहिकाएं सबसे संकीर्ण रक्त वाहिकाएं यहां मैंने लिख दिया है आप इसे देख सकते हैं सबसे संकीर्ण रक्त वाहिकाएं वाहिकाएं ओके तो ये कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा कैपिलरी सी ए पी आई डबल एल ए आर वाई यही आंसर हो जाएगा ए थ्री का ए सही है थ्री का ए सही है क्वेश्चन नंबर फोर विच पार्ट ऑफ द आई चेंजेज इट्स साइड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट ये आप जानते भी हैं और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एपिल हो जाएगा यहाँ आँख की पुतली को कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा उपिल उपिल मीन्स होता है आँख की पुतली क्या होता है आँख की पुतली क्वेश्चन नंबर फोर का ए हो जाएगा सही अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव में जाएंगे विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग फ्रॉन्ट पार्ट ऑफ द हेड इससे लिया गया है यह वर्ड कौन सा है हमारे शरीर में जो ग्रीक वर्ड मीनिंग्स है फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड से लिया गया है तो वह है हमारा आंसर हो जाएगा फॉर हेड माथा क्या हो जाएगा फॉर हेड ऑप्शन नंबर फाइव का फाइव का बी सही है फॉर हेड ठीक है फॉर हेड मीन्स होता है माथा अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाएंगे इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर वाइट ब्लड सेल मेड हमारे शरीर का कौन सा भाग अरsource, लाल रक्त कोशिका से बना होता है सॉरी श्वेत रक्त कोशिका से बनाता है व्हाइट मीन्स होता है श्वेत ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रक्त कोशिका से बना होता है वह हो जाएगा हमारा बोन मैरो क्या हो जाएगा बोन मैरो बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है अस्थि मज्जा बोन मैरो मीन्स होता है अस्थि अस्थि मज्जा कहा जाता है बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है आप यहाँ से लिख सकते हैं बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन पर देखेंगे द्विच टी थार द लास्ट टू अपियर इन ह्यूमन कहा जा रहा है कि दांत जो है सबसे लास्ट में मतलब जो दांत निकलता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है विजडम टीथ इसका हिंदी होता है अकल दाढ़े अकल दाढ़े या इसको बुद्धि वाला दांत कहा जाता है या इसको क्या कहा जाता है बुद्धि वाला दांत विजडम टीथ मतलब बुद्धि वाला दांत इस समय तक आदमी पूर्ण रूप से आदमी के अंदर पूर्ण रूप से बुद्धि विकसित हो जाता है इसलिए इस टीथ को जिस एज में जिस उम्र में यह दांत निकलता है उस समय तक आदमी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई होती है और अधिक बुद्धिमान हो गया रहता है आदमी तो इसलिए उसको विजडम टीथ कहा जाता है क्या कहा जाता है जडम टीथ इसका हिंदी होता है बुद्धि वाला दांत या अकल दढ़े तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन का सी सही है विजडम टीथ ओके और क्वेश्चन नंबर एट में विच ऑर्गेन इज ऑल्सो नोन एज वॉयस बॉक्स कहा जा रहा है कि इसमें से किस ऑर्गेन को व्यस बॉक्स कहा जाता है स्वर तंत्र व्इस बॉक्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट स्वर तंत्र क्या होता है स्वर तंत्र वॉयस वॉयस बॉक्स मीन्स होता है स्वर तंत्र ठीक है इसमें से किस ऑर्गन को व्यस uh, बॉक्स कहा जाता है तो ये हो जाएगा लैरिंग्स लैरिंग्स ले यह हमारे गले में होता है यह जो पार्ट होता है यह हमारे गले में होता है जिसके सहारे हम बोलने में सक्षम हो पाते हैं लैरिंग्स जो होता है यह हमारे गले का पार्ट होता है जिसके सहारे हम बोलने में सक्षम हो हो पाते हैं इसलिए इट इज नॉन एज वॉइस बॉक्स ओके इस ऑर्गेन के चलते हम बोलने में सक्षम हो पाते हैं इसलिए वॉइस बॉक्स कहा जाता है यह हमारे शरीर के गले में होता है तो एट का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ओके अब हमारा नीचे देख लेंगे एक और क्वेश्चन यहाँ बन रहा है देख लेंगे देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो चार मेन ब्लड ग्रुप होता है उसको यहाँ दिया गया है देयर आर ये हैं दे आर ये हैं ए बी ओ एंड बी आप ब्लड ग्रुप जांच कराते हैं आपको पता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है उसमें से ये चार ग्रुप होते हैं इस तरह से किसी का ए होता है किसी का ए बी होता है किसी का ओ ओ होता है किसी का बी होता है ठीक है ये मेन है ठीक है ये फोर मेन ब्लड ग्रुप होते हैं इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट करके और याद करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे थैंक यू हैवी नाइस डे